गाइस, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि कौन सा ऑयल कैसा है, महंगा है या सस्ता है, अच्छा है या बुरा है। मैटर ये करता है कि कौन सा ऑयल आपको बालों में सूट कर रहा है, कौन सा ऑयल लगाने से आपकी बालों की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है। अगर आपको पैराशूट लगाने से ही आपका हेयर फॉल रुक रहा है तो अच्छी बात है, तो आप लगा कर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था मेरे हिसाब से कि कौन सा ऑयल किस तरह के बालों के लिए अच्छा रहेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट डील फ्लाई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इन तीनों ऑयल्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है केस किंग हेयर ऑयल, दूसरा है निहार ऑयल और तीसरा है पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल। गाइज, आपको केस किंग हेयर ऑयल और पैराशूट हेयर ऑयल, ये दोनों ही ऑयल के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑयल काफ़ी फेमस है, आपको अधिकतर घरों में देखने को मिल जाएगा। बट ये जो निहार हेयर ऑयल है, इसे काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं और काफ़ी कम लोग इसे जानते हैं। आज मैं आपको इन तीनों ऑयल के बारे में डिटेल में बताऊँगी, ये तीनों ऑयल कैसा है और किन लोगों को कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे केस किंग हेयर ऑयल के बारे में। गाइज, मैं इस ऑयल पे कई सारे वीडियो पर्सनल अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, अगर आपको इस ऑयल के बारे में अच्छे से जानना है तो आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हो। गाइज, ये आयुर्वेदिक ऑयल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इंडिया का नंबर वन हेयर ऑयल है। ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, ये झड़ते हुए बालों को रोकता है, साथ में नए बालों को भी उगाने में मदद करता है। ऑयल है खास तौर पर प्रमाणित किया गया है हेयर फॉल को रोकने के लिए, साथ में नए बालों को उगाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्लिनिकली प्रूवन रिड्यूस हेयर फॉल ग्रोज न्यू हेयर, तो मैं इसी पर से आपको बता रही हूँ। गाइज, इस ऑयल को काफी लोग पसंद करते हैं क्योंकि इस बालों से झड़ना रुकता भी है लोगों का, जिन्हें सूट कर गया उनका हेयर फॉल बंद भी हो जाता है। गाइज, ये 100 ml की बॉटल है, इसकी जो प्राइस है 175 रुपए है। मैं आपको इससे थोड़ा सा ओपन करके भी अंदर से दिखा देती हूँ। मैंने इससे इस ऑयल को मैंने अपने बालों में लगाया था, इसलिए इसी तरह से सेट करके रखा हुआ है। ये कुछ इस तरह का आता है, इसमें कॉम्ब दिया गया रहता है, आप देख सकते हो। 21 जड़ी बूटियों के हेल्प से इस ऑयल को बनाया गया है, तो इस ऑयल की जो सुगंध भी है पूरी तरह जड़ी बूटियों वाला ही है, जो कि काफ़ी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसकी जो खुशबू है थोड़ा सा अजीब टाइप की होती है। गाइज, अब हम बात करेंगे पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल के बारे में। ये ऑयल काफ़ी पुराना हेयर ऑयल है, आपको अधिकतर घरों में ये ऑयल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल है, यानी कि इस ऑयल को बनाने के लिए सिर्फ कोकोनट का ही इस्तेमाल किया गया है। गाइज, ये 500 ml की बॉटल है और इसकी जो प्राइस है 215 रुपए है। गाइज, इस ऑयल के पीछे कुछ भी पढ़ेंगे तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये हेयर ऑयल है, ये एक एडिबल ऑयल है, बट हम सब इसको अपने बालों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस ऑयल को भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं ये जो ऑयल है काफी गाढ़ा ऑयल है, इसकी जो सुगंध भी है पूरी तरह कोकोनट जैसी ही आती है। इस ऑयल को लगाने से बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम हो जाते हैं, क्योंकि ये कोकोनट ऑयल है और कोकोनट हमारे बालों को नरिशमेंट प्रदान करता है। पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल लगाने से बालों को पोषण भी मिलता है और साथ में बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, ये हमारे बालों को अच्छी तरह से नरिशमेंट देता है। गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि नारियल तेल गाढ़ा होता है, यानी कि ये हैवी होता है, थिक होता है, ये ऑयल उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनके बाल ड्राई होते हैं, यानी कि रूखे सूखे बेजान होते हैं। नारियल तेल लगाने से उनके बाल सॉफ्ट और मुलायम हो जाते हैं। ये ऑयल हमारे बालों को पोषण देता है और साथ में गाइज, ये ऑयल केस किंग हेयर ऑयल से काफ़ी सस्ता मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि केस किंग हेयर ऑयल 100 ml की बॉटल की प्राइस 175 रुपए है, बट ये 500 ml की बॉटल है, बट इसकी जो प्राइस है 215 रुपए है, तो केस किंग के मुकाबले ये ऑयल काफी सस्ता होता है। गाइस, अब हम बात करेंगे निहार हेयर ऑयल के बारे में। तो इस ऑयल को काफी कम लोग जानते हैं और कम ही लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है इस ऑयल को बनाने के लिए कोकोनट, मेथी, विटामिन ई, मिनरल ऑयल और साथ में जैस्मिन, इन सारी चीजों को मिक्स करके इस ऑयल को तैयार किया गया है। गाइस, ये ऑयल बालों को
थिक और स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि इसमें मेथी है और मेथी हमारे बालों को मजबूत बनाता है, और कोकोनट है तो कोकोनट बालों को नरिशमेंट करता है। ये काफ़ी पतला और लाइट वेट हेयर ऑयल है, आप देख सकते हैं। अगर आप इस ऑयल को अपने बालों में लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आप अपने बालों में ऑयल लगाए हो, क्योंकि ये काफ़ी पतला और लाइट वेट हेयर ऑयल है। गाइस, इस ऑयल को लगाने से बालों की शाइनिंग बढ़ जाती है और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप अपने बालों में ऑयल लगाए हुए हो, काफ़ी चमकदार बाल हो जाते हैं। तो गाइस, इस ऑयल का जो सुगंध है बिल्कुल जैस्मिन फ्लावर की तरह है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आता है। ये 100 ml की बॉटल है, इसकी जो प्राइस है 40 रुपये है, यानी कि 40 रुपये में 100 ml का बॉटल मिल जाता है आपको। गाइज, अब हम बात करेंगे कि कौन सा हेयर ऑयल किनके लिए अच्छा होगा, यानी कि किस टाइप के बालों के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं और आपके बाल काफ़ी ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं, झड़ना नहीं रुक रहा है, तो आपके लिए केश किंग हेयर ऑयल बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये स्पेशली हेयर फॉल को रोकने के लिए ही बनाया गया है। तो आपको अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर केश किंग का इस्तेमाल करके देखिए, उससे आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे। गाइस, जिनके बाल रूखे सूखे बेजान है, यानी कि लकड़ी की तरह कड़क है, काफ़ी टाइट है, उनके लिए ये पैराशूट का कोकोनट हेयर ऑयल बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो कोकोनट है, कोकोनट बालों को सॉफ्ट और मुलायम बनाता है, बालों को पोषण देता है, तो उनके बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे कड़कपन से छुटकारा मिल जाएगा। तो गाइज़, जिनके कड़क बाल है, रूखे सूखे, उनके लिए पैराशूट कोकोनट हेयर ऑयल बेस्ट रहेगा। अगर उनके बाल नहीं झर रहे हैं, सिर्फ रूखा सूखा है, तो उनके लिए पैराशूट हेयर ऑयल बेस्ट रहेगा। गाइस, अब हम बात करेंगे निहार ऑयल के बारे में। तो ये ऑयल उनके लिए काफ़ी अच्छा है जो लोग अपने बालों में ऑयलिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जी हाँ, जिन्हें ऑयल लगाना पसंद नहीं है, जिन्हें अपने बालों में कोई भी परेशानी नहीं है, जैसे कि उनका हेयर फॉल नहीं हो रहा है, उनके बाल अच्छे हैं, यानी कि सॉफ्ट है, सिल्की स्ट्रेट है, बाल उनके मुलायम है, तो उन्हें ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑयल लगाना नहीं चाहते हैं, उनके लिए ये ऑयल अच्छा है, क्योंकि ऑयल हमारे बालों के लिए ज़रूरी है। ऑयल लगाने से हमारे बालों की जो जड़ें होती है वो मजबूत होती है और बाल अंदर से ग्रो होता है, तो हमें अपने बालों के लिए ऑयल तो ज़रूरी है, बट जिन्हें पसंद नहीं है ऑयल लगाना, क्योंकि ऑयल लगाने से बाल कहते हैं चिपचिपा हो जाता है, तो ये ऑयल उन्हीं के लिए अच्छा है। ये ऑयल लगाने से आपका बाल बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा, ये लाइट वेट ऑयल है। अगर आप थोड़ा सा ऑयल लेकर के अपने बालों की जड़ों में थोड़ा सा ऑयल, मैं आपको बता दे रही हूँ, 2-4 बूंद लेकर के, इस तरह से लेकर के अपने बालों के जड़ों में सिर्फ लगा लेंगे, तो इससे आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप अपने बालों में ऑयलिंग किए हैं और आपका बाल बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा, उसी तरह सॉफ्ट मुलायम और स्ट्रेट ही रहेगा। तो ये ऑयल उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें ऑयल लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे लगाते ही बालों की जो शाइनिंग होती है वो बढ़ जाती है। ये ऑयल हमारे बालों को थिक और स्ट्रॉन्ग बनाती है। गाइस, इस पे लिखा हुआ है क्योंकि इसमें मेथी है, तो इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा घना और मजबूत होगा और आपके बालों की शाइनिंग भी बढ़ जाएगी कि बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। मेरी अपनी राय थी इन तीनों ऑयल के बारे में, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।